नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफे की एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं ऑफिस सीक्रेट्स हरीश भट्ट की इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं। यह पुस्तक अंग्रेजी में बेस्ट सेलर रही है, हिंदी में इसका अनुवाद डॉक्टर संजीव मिश्र ने किया है। ऑफिस सीक्रेट्स, जानिए कामकाजी जीवन की जरूरी 50 बातें। कामकाजी जीवन यानी वह जीवन जिसमें आप सफल होना चाहते हैं, इसमें घरेलू जीवन नहीं शामिल है, बल्कि यह पुस्तक उन लोगों के लिए है जो नौकरियों में है, जो व्यवसाय जगत में हैं, जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कार्यस्थलों पे उनकी संस्कृति क्या हो, अपने से वरिष्ठों के साथ वह किस तरह का व्यवहार करें, अपने अधीनस्थों के साथ किस तरह का व्यवहार करें, ऑफिस में जो लोग बराबरी के लोग हैं उनके साथ कैसा बर्ताव करें, और इन सब के बीच वह अपने जीवन के लिए कौन सी रणनीति बनाएं जिससे वे न केवल सफलता पाएं बल्कि एक ऐसा मुकाम हासिल कर सके जिसकी उन्होंने कल्पना की है। चूँकि इस पुस्तक के लेखक हरीश भट्ट जो है वह टाटा कंपनीज में बहुत बड़े पदों पर रहे हैं, टाटा सन्स के ब्रांड संरक्षक के रूप में उनकी पहचान रही है। 35 से भी अधिक वर्षों से वह टाटा ग्लोबल बेवरेजेज के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रबंध निदेशक रहे, टाटा कंपनी लिमिटेड की घड़ियों वाला जो व्यवसाय है टाइटन का उसके भी मुख्य ऑपरेटिंग ऑफिसर रहे, और दुनिया भर में उनकी पहचान एक बड़े कॉरपोरेट अधिकारी के रूप में, सफल कॉरपोरेट अधिकारी के रूप में रही है। लगातार वह देश के बड़े अंग्रेजी अखबारों में बिजनेस पर स्तंभ लिखते रहे हैं। उनको दुनिया के 10 सबसे प्रभावशाली मुख्य मार्केटिंग अधिकारियों में उनको शुमार किया था फोर्ब्स ने 2022 में। चूँकि सफल व्यवसाय जगत में उनका अपना एक मुकाम रहा है, इसलिए उनकी अपनी बातों के भी अर्थ हैं, और यह जो उनके व्यावसायिक जीवन का जो अपना अनुभव है जिसमें उन्होंने तमाम हजारों लाखों लोगों के कर्मचारियों के कार्य प्रणाली को देखा और समझा, जो लोग उनके जीवन में आए, खुद अपने जीवन में उन्होंने क्या कुछ किया और यहाँ तक कि अपने वरिष्ठों से क्या कुछ सीखा, उसका निचोड़ एक तरह से कह सकते हैं कि इस पुस्तक में है। इस पुस्तक को डॉक्टर अनुवाद करने वाले संजीव मिश्र जो है वह जाने माने जो है अनुवादक हैं, पत्रकार रहे हैं, और लगभग 3 दशकों का उनका अनुभव पत्रकारिता के जीवन का है। अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से पर्यावरणीय परिवर्तन पर उन्होंने फेलोशिप भी ली है, और इस पुस्तक की प्रशंसा जो है वह दुनिया के जाने माने कॉरपोरेट जगत के लोगों ने की है। अब ये 50 जो टिप्स देते हैं हरीश भट्ट सफल जीवन में, वह दरअसल है क्या, मैं अगर केवल उनकी गिनती भी बता दूं, उनका नाम भी बता दूं, तो आप समझ सकते हैं कि यह पुस्तक आपके लिए कितनी ज़रूरी और उपयोगी है। उनका कहना है कि सामान्य तौर पर लोग बैठकों में समय नष्ट करते हैं, और दरअसल कार्यालय कोई दुरूह क्षेत्र नहीं है। आप कार्यालय को अगर यह समझते हैं कि यह हमारे घर की तरह से है, तो आपको बहुत सारी काम की बातें समझ में आएंगी। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको लगाव उस तरह का होना चाहिए, व्यवस्था के तौर पर जो लापरवाही आप घर में बरतते हैं वह नहीं करना चाहिए। इसलिए बैठकों में लोग बहुत सारी बातें करते हैं, अलग अलग विचार आते हैं, और उन विचारों से आपको यह समझना चाहिए कि इन बैठकों में अगर आप अपने को स्थापित करना चाहते हैं तो आपको एक अच्छा वक्ता होना चाहिए, वाक्पटु होना चाहिए, आपका क्या व्यक्तित्व जो है आकर्षक होना चाहिए, आपको इस तरह से रहना चाहिए कि वह ज्ञानी हो। मतलब ये कि आपको अगर बैठक में जो बातूनी लोग मिलेंगे तो हर तरह के लोग मिलेंगे, कुछ लोग बहुत शांत रहते होंगे, कुछ लोग बहुत वोकल होंगे, बोलने वाले होंगे, कुछ लोग बहुत ज्ञानी होंगे, कुछ लोग केवल देखते रहेंगे। आपको तटस्थ भाव से उन बैठकों को देखना होगा पड़ेगा, उनका दृष्टा होना पड़ेगा। उनका ये भी कहना है कि उदार होना एक महान गुण है। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने सहयोगियों के प्रति, अपने अधीनस्थों के प्रति उदार रहना पड़ेगा, उनके साथ ऐसा बर्ताव करना पड़ेगा कि उनको अपना
अपनापा लगे आपके साथ, ताकि आप जो कुछ भी कहें वह आपके काम को कर सकें। उनका कहना है कि एक द कुकी क्लब जो है वह भी एक तरह से बनता है। उन्होंने अपने उदाहरण दिए हैं कि दरअसल ये जो कुकी की क्षमता है उसको कम करके नहीं आंकना चाहिए, बल्कि हमें यह जानना चाहिए कि यह भी एक जीवन का महत्वपूर्ण नियम है। उनका कहना है कि जब घर से निकलिए तो 6 नियम बना लीजिए, काम को चिन्हित कर लीजिए कि हम ये जीवन के 6 नियम क्या हैं। उनका कहना है कि जब कोविड काल आया तब लोगों को समझ में आया कि घर की अपनी भी महत्ता है। तो अगर आप घर से काम करते हैं तो आपको 24 घंटे के लिए नियम बनाना पड़ेगा या दिखाना पड़ेगा कि घंटे उतने ही हैं और इसमें आपको क्या कुछ करना है। उनका कहना है इसी तरह से एक टिप्स में वो कहते हैं कि आपको थकान नहीं महसूस होनी चाहिए। अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको थकने से बचना पड़ेगा और आगे बढ़ने के लिए जो रिफ्रेश बटन है वह आपको दबाना पड़ेगा, यानी आपको लगातार नए लोगों से मिलना जुलना पड़ेगा, अपने को हंसमुख रहना पड़ेगा, अपने को स्वस्थ रखना पड़ेगा। व्यायाम करिए, घूमिए, जो भी करिए, तेज गति से टहलिए, लेकिन कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा ताकि आप स्वस्थ रख सकें। कुछ लोग लिख पढ़कर भी अपनी थकान मिटा सकते हैं। उसके बाद की टिप्स में उन्होंने ढेर सारे, उनका कहना है कि सपने भी देखने चाहिए आगे बढ़ने के लिए, लिखने की हैबिट डालनी चाहिए ताकि आपको, चाहे आप डायरी लिखें, कुछ ना कुछ आपको लिखना पड़ेगा। उनका कहना है कि जो लोग डिजिटल की दुनिया में काम करते हैं उनको एक नया नियम बनाना पड़ेगा। इसी तरह से उनका कहना है कि आपके साथ ही आपके राजदार, अगर आप उनको बना लेते हैं तो ये ध्यान रखिए कि कभी भी आपका राज जो है वह खुल सकता है। अगर आपकी कार्यालयी संबंध में इधर उधर थोड़ा भी उठा पटक हुई तो आपने अगर उनको राजदार बनाया है, दोस्त बनाया है, तो ये सावधान रखिए। इसी तरह से उनका कहना है कि आप अपने कार्य दिवसों को, हर आदमी सोचता है कि नया साल हुआ, नई चीज़ें शुरू हुई, उनका कहना है ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरे हर महीने को आपको उसी तरह से देखना चाहिए। उनका ये भी कहना है कि आपको दयालुता को एक अच्छे गुण के रूप में रखना चाहिए, नोटबुक का उपयोग करना चाहिए, वीडियो कॉल पर अगर हैं तो आपकी दीवार कैसी है आपको इस पर भी ध्यान रखना चाहिए। उनका कहना है कि कर्मचारियों को पैसे खर्च करने से संबंधित या आय से संबंधित जो काम है उसमें भी आपको सलाह देनी चाहिए कि किस तरह से उनकी कार्य पद्धति, उनका पैसा बचे, जो भी पैसा उनको मिल रहा है। इसके अलावा उनका कहना है कि जूनियर्स अगर आपको कोई सलाह दे रहे हैं तो आपको उसको भी मानना चाहिए। हर समय काम हो सकता है कि आपकी काम करने की क्षमता बहुत अधिक हो, लेकिन कोई ऐसा भी हो सकता है जो सामान्य हो काम करने में, लेकिन आपको उसको अनदेखा नहीं करना चाहिए। उनका कहना है कि कार्यालय में चाहे आपका जितना भी संबंध घना हो एक दूसरे से, कार्यालय में संवाद करते समय, बातचीत करते समय आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आप कार्यालय में हैं। आप यह नहीं कर सकते कि जिस तरह से सड़क पर बात करते हैं या घरों में बात करते हैं उस तरह से आप संवाद कर लें अपने सहयोगियों से, चाहे कितना भी अपना पा हो। उनका कहना है कि ये कुछ टिप्स हैं जिनको आपको जानना चाहिए। आपको ये भी जानना चाहिए कि नए दौर के बॉस कैसे होते हैं। एक कॉलम इसमें यह भी है कि नए दौर के बॉस किस तरह के होते हैं। अगर आप हवाई यात्रा कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। कार्यालय में क्या जीवन सिद्धांत हो सकता है, ये भी उन्होंने कहा है। और उन्होंने कहा है कि जो भी कहा गया है उसको नोट करने की प्रवृत्ति अगर आप डालेंगे तो आप आगे बढ़ सकेंगे। प्रबंधक के गुरु शेक्सपियर से मिले, उन्होंने बहुत सारे जूनियर्स की सलाह पर काम करें। कंपनियों का जो मुकाबला है उनकी भी बात करी है। जो बहुत प्रसन्न रहने वाले प्रबंधक हैं उनकी जो 7 आदतें हैं, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय इस पुस्तक में है। कुल मिला जुला कर यह पुस्तक उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी हो सकती है जो लोग नौकरी कर रहे हैं और जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। आप कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, अगर व्यवसाय जगत में, कॉरपोरेट जगत में, उद्यम जगत में सफल होना चाहते हैं तो ऑफिस सीक्रेट्स को, यानी अगर ऑफिस आपके पास है तो इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। और जहाँ तक अमल कर सकते हैं इन बातों पर अमल कर सकते हैं आप। अच्छा अनुवाद किया है संजीव मिश्र ने,
हरीश भट्ट निश्चित रूप से बड़े लेखक हैं। इससे पहले उनकी पुस्तक टाटा स्टोरीज जो है वह काफ़ी बेस्ट सेलर पुस्तक रही, उसकी भी चर्चा बुक कैफे के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैंने की थी। आप चाहें तो उस पुस्तक को भी खरीद कर पढ़ सकते हैं। पेंगविन रैंडम हाउस के लिए पेंगविन स्वदेश ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। अनुवादक का नाम मैं बता चुका हूँ, डॉक्टर संजीव मिश्र हैं। पुस्तक का मूल्य 250 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 238। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुँचूँ, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूँगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।